दोस्तों आज हम प्लेन और एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो आप ये जानना चाहोगे कि प्लेन और एक्सिस हमारे किस काम आएंगे। तो दोस्तों प्लेन और एक्सिस अगर आप अच्छे से जान पाओगे तो आप अपनी मूवमेंट में एडवांटेज कर पाओगे, और आप अपनी मूवमेंट कौन से प्लेन और एक्सिस के तहे काम कर रही है वो आप समझ पाओगे। उससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा और आप अपनी मूवमेंट को डिजाइन कर पाओगे। आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कौन से व्यू से वो एक्सरसाइज और आपकी मूवमेंट में स्ट्रेंथ आती है वो देखना चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों आप पहले बात करते हैं कि भाई प्लेन क्या होता है। तो प्लेन एक ऐसी सरफेस होती है हमारे बॉडी में जो हमारी बॉडी को दो हिस्सों में काटती है। तो ये एक तो ऐसी फ्रंटल भी होती है, ये सर्जाइकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैं आपको दिखाई देता हूं कि भाई जैसे ये मैंने बॉडी है, जैसे कि ये मेरे खड़ा हूं, तो इसमें मैंने क्या किया है, ये फ्रंटल प्लेन है तो मैंने यहाँ पे बीच से काट दिया अपनी बॉडी को। तो यहाँ इसको हम कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी होती है ये, आपको कल्पना करनी है कि आपकी बॉडी ऐसे दो हिस्सों में बटी हुई है। तो आगे का यानी एंटीरियर पोर्शन और ये पीछे का पोस्टीरियर पोर्शन, दोनों को मैंने ऐसे इधर से यानी कि आपका एंटीरियर पोस्टीरियर में दो हिस्सों में मैंने इसको काट दिया है। तो ये फ्रंटल प्लेन बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर में काटता है। ये आपको याद रखना है कि भाई फ्रंटल प्लेन होगा तो ये बॉडी के दो हिस्सों को काटेगा। ये देखिए, ये मैंने ये सर्जाइकल प्लेन है, ये मैंने बताया था कि ये सर्जाइकल। तो ये क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट और राइट में काटता है, ये मिडल से काटता है बॉडी को। तो ये लेफ्ट राइट में अलग कर देता है बॉडी को। तो ये आप समझ गए कि भाई आपकी सर्जाइकल प्लेन बॉडी के ये दो हिस्से करता है। और ये थर्ड है आपका, यानी ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये बॉडी को कौन से दो हिस्सों में काटता है, सुपीरियर और इन्फीरियर में, यानी कि ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट अलग है, बीच में ये प्लेन है। यानी आपको इमेजिन करना है कैसा प्लेन है और बॉडी को दो हिस्सों में काट दिया। तो तीन हिस्सों में आपको पता चल गया कि भाई फ्रंटल प्लेन कैसे काटता है बॉडी को, एंटीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर में काटता है, सर्जाइकल प्लेन लेफ्ट राइट में काटता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका सुपीरियर और इंफीरियर में काटता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि प्लेन जब एक दूसरे से, यानी कि ये तीनों प्लेन हमारी बॉडी में मौजूद है कहीं ना कहीं, तो ये तीनों तीन अंदर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तो ये जब मिलते हैं, तो जैसे ये मिलता है, जैसे एक प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जैसे, और ये सर्जाइकल प्लेन है, जैसे ये मिलता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी परपेंडिकुलर होता है कि भाई ये 90 डिग्री का कोना बनाते हैं, आपने देखा होगा ये राइट एंगल बनाते हैं, जैसे कि ये ऐसे मिला तो ये एक राइट एंगल होता है, यानी कि इस तरह से जैसे मैंने राइट एंगल ये मैं चारों में मैंने ऐसे बताया कि सब तीनों तीन प्लेन मिलते हैं तो इस तरह से राइट एंगल का बनाते हैं इस तरह से। अब आपको ये शायद समझ में नहीं आएगा ये अच्छे से, तो मैंने इसके लिए पूरा का पूरा इसका मैंने अच्छे से बना ही दिया है। देखिए अब मैंने कि ये मेरा यानी कि मैं ये फ्रंटल प्लेन है, ये सर्जाइकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तीनों प्लेन देखिए एक 90 डिग्री का कोना बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोना बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। आप किसी भी एंगल से देखोगे हर प्लेन 90 डिग्री का कोना बनाएंगे। तो यानी कि हर प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए अब कोई भी जगह से आप देखोगे इधर से तो हर जगह से आपको ये परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी कि क्रॉस मिलेगा, यहाँ से भी क्रॉस मिलेगा, यहाँ से भी क्रॉस मिलेगा और यहाँ से भी क्रॉस मिलेगा। हर प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसमें मूवमेंट हमारी कोर होती है कि मूवमेंट कैसे आती है इसमें। तो देखिए दोस्तों मूवमेंट इसमें पैरेलल होती है हमारी। ये आगे जाके मैं डेमो दूंगा तो उसमें आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जैसे ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मूवमेंट इसकी यहाँ पर होगी, ऐसे मूवमेंट पैरेलल होगी, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेकिन मूवमेंट इसकी पैरेलल है। देखिए अब ये फ्रंटल प्लेन है तो मूवमेंट इसकी पैरेलल होगी, यहाँ होगी। ये सर्जाइकल प्लेन है तो मूवमेंट इसकी यहाँ होगी। इतना आपको समझ में आ गया, मूवमेंट पैरेलल होती है, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्लेन तीन तरह के होते हैं, वैसे ये इमेजनरी एक्सिस हमारी बॉडी में भी तीन तरह के होती है एक्सिस ऐसी। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऐसे ये फ्रंटल प्लेन होता है तो एक्सिस भी ऐसी फ्रंटल होती है इस तरह से। यानी अब देख लीजिए कि भाई इस तरह से एक्सिस, जैसे सर्जाइकल प्लेन इस तरह से होता है उसी तरह सर्जाइकल एक्सिस भी इस तरह से होती है, देख लीजिए। और जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे होता है तो ये वर्टिकल एक्सिस ऐसे होती है तीन। तो ये तीन प्लेन होती है, ऐसे ही तीन एक्सिस होती है। और जैसे प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वैसे एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जब कहते तीन प्लेन मैंने बताया तो ऐसे तीन एक्सिस भी अंदर हमारी बॉडी में मौजूद होती है जो इमेजिनरी होती है, आपको कल्पना करने की ऐसी एक्सिस होती है। तो मैंने वो एक्सिस मैंने बनाई दी है आपको समझ में ज्यादा आए इसलिए। जैसे ये मैंने बनाई है तो ये मैंने जैसे नीचे से पकड़ा है तो ये ऊपर से नीचे जा रही है, ये वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ से जैसे
ये जो जैसे ये फ्रंटल प्लेन है जैसे, तो ये फ्रंटल एक्सिस है और ये सजाइकल प्लेन है, तो ये जो जा रही है पीछे की ओर वो सजाइकल एक्सिस है। अब इसमें मूवमेंट इसमें कोर होती है, तो मूवमेंट इसमें कैसे होती है, तो मूवमेंट इसके सराउंडिंग होती है। जैसे प्लेन में मूवमेंट हमारी पैरेलल होती है, वैसे एक्सिस में मूवमेंट हमारी सराउंडिंग होती है। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ये पंखे की तरह ये पकड़ा या नहीं, और इसको मान लिया कि ये एक्सिस, अभी भूल जाओ कि ये दोनों एक्सिस है, इसको मान लो कि ये चार ब्लेड है पंखे की, और मैं इसको एक्सिस को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो आप देख रहे हो ना कि भाई मूवमेंट इसके चारों ओर कर रही है, ये एक्सिस के चारों ओर मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने यहां से पकड़ी है, ये एक्सिस यहां पर है, ठीक है, ये एक्सिस यहां पर है, और ये पंखे के यानी के चार ब्लेड है, और इसको मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये देखो ये मूवमेंट इसके इर्द गिर्द चारों ओर करेगी इसमें, और ये जैसे मैंने यानी कि ये सजाइकल एक्सिस मैंने यहां से पकड़ ली अपनी, और मैंने इसको घुमा रहा हूं, तो ये चार ब्लेड ऐसे ऐसे घूम रही है। यानी ये सिर्फ एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि भाई एक्सिस जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये आपकी जैसे वर्टिकल एक्सिस है और ये फ्रंटल एक्सिस है, दोनों आप देखोगे तो देखो ये राइट एंगल बनता है, ये पूरा का पूरा राइट एंगल, आप देखो ना एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती है तो ये पूरा राइट एंगल बनता है, ये भी आप राइट एंगल बनता है, ये भी राइट एंगल बनता है, जैसे ये सब जगह राइट एंगल बनता है, सब जगह आप देखोगे तो राइट एंगल बनता है, उसी तरह इसको कहीं भी आप बना के आप खुद ही चेक कर लेना, तो ये 90 डिग्री का कोना बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोना बनेगा, यानी कि ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, प्लेन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब ये दोनों बॉडी में मौजूद होते हैं, तो जैसे ये जैसे मैंने लिया कि भाई ये तीनों प्लेन है, अब ये तीनों एक्सिस इस तरह से यानी कि एक ऊपर से जाएगी, एक इधर से जाएगी और एक पीछे से जाएगी, यानी तीनों तीन एक्सिस होगी, तो ये तीनों एक्सिस और तीनों प्लेन इकट्ठा हो गया अंदर, यानी कि मैं इसको ज्वाइन अभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर इकट्ठा हो गया तो ऐसे जो बीच वाला जो हिस्सा जो बनता है हमारा प्लेन का और एक्सिस का ऐसे सब इकट्ठा होगा, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी हम प्लेन और एक्सिस तक ही सीमित रहते हैं। दोस्तों जैसे कि प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे प्लेन और एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि अगर ये आपका जो फ्रंटल प्लेन है, ठीक है ये फ्रंटल प्लेन है, तो उसमें ये एक्सिस है जैसे, तो उसमें मुझे ये परपेंडिकुलर क्या होता है कि भाई उसमें बीच में से छेद करती है, जैसे ऐसे ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये ऐसे जाती है तो परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे कि फ्रंटल प्लेन में क्या होगा, आपको ये सजाइकल एक्सिस ही जाएगी आप फ्रंटल प्लेन में, कोई ऐसे दूसरी तो ये वर्टिकल तो जा नहीं सकती, ये फ्रंटल भी नहीं जा सकती, तो फ्रंटल प्लेन में सजाइकल एक्सिस ही जाएगी। उसी तरह अगर ये सजाइकल प्लेन है, यानी कि ये प्लेन सजाइकल है साइड से, यानी ये प्लेन, तो उसमें कैसे यानी कि ऊपर से भी नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती, इसमें ये क्या फ्रंटल एक्सिस ही जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अब जैसे हॉरिजेंटल प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन, उसमें मैं ऐसे और ऐसे भी नहीं जा सकती, इसमें वर्टिकल एक्सिस ही जाएगी, यानी कि तीनों प्लेन, जैसे कि भाई आपका जो फ्रंटल प्लेन है तो उसमें सजाइकल एक्सिस जाएगी, सजाइकल प्लेन है तो उसमें फ्रंटल एक्सिस जाएगी, हॉरिजेंटल प्लेन है उसमें वर्टिकल एक्सिस जाएगी, और तीनों आपने बता दिया कि भाई एक्सिस किस तरह से जाती है। और उसको और ज्यादा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए और ज्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये फ्रंटल प्लेन है और मेरी बॉडी को दो हिस्सों में इसने काटा हुआ है, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, मैंने जो बताया कि फ्रंटल प्लेन में सजाइकल एक्सिस ही जाएगी, तो मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कैसे करूंगा मैं इसको। अब देखो तो ऐसे तो ज्वाइन होगा नहीं, मेरी बॉडी ऐसे भी नहीं होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह से ही आना है कि भाई आप देखोगे तो इसमें, अब ध्यान से देखो तो मुझे इस तरह से ज्वाइन होगी, और कोई पॉसिबल ही नहीं है ज्वाइन, ऐसे ही ज्वाइन होगी ना मेरी दोनों बॉडी, यानी कि मेरी एक ये इमेजिनरी है, आपको मानना है कि भाई ऐसे अंदर कुछ होता है, तो ये ऐसे ज्वाइन होगी, तो इसमें मूवमेंट कैसे होगी, जैसे कि ये ज्वाइन हो गया तो ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी इसमें, यानी कि ये राइट साइड जाएगा, लेफ्ट राइट ही जाएगी इसमें, यानी कि लेग का एबडक्शन और एडक्शन ये दो पॉसिबल होता है इस प्लेन और एक्सिस में, यानी कि ये सजाइकल एक्सिस है और ये फ्रंटल प्लेन है, ठीक है। इसको हम और ज्यादा थोड़ा इसको समझेंगे तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा, देखो जैसे कि ये हमने मान लिया कि भाई जैसे मेरी बॉडी है अब मेरी, ठीक है, और यहां से प्लेन जा रहा है जैसे ये यहां, तो इसका क्या होगा, ये पैर का इसका एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा, एबडक्शन होगा, एडक्शन पैरेलल होगा, यानी कि प्लेन है उसके पैरेलल ही होगा और कुछ नहीं होगा, ये हाथों का भी ये हाथों का एडक्शन होगा, एबडक्शन होगा, एबडक्शन और एडक्शन ये दोनों का। इसको और ज्यादा आपको और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये भी बनाया है, ठीक है, एक लिए
कि जैसे मैंने पैर है, ठीक है, यही है, जैसे मैंने एक पैर ले लिया, मान लीजिए ये पैर यहां से बीच से कटा हुआ है और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये पैर में मूवमेंट कैसे होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी एक्सिस से आपकी मूवमेंट होती है। तो देखिए ये पैर में ये एडक्शन यानी कि बॉडी के पास जा रहा है और बॉडी से दूर जा रहा है, इसके सिवा कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, क्या ऊपर नीचे तो होगा नहीं इसमें, ये एक्सिस में आप कोई भी आप ट्राई करोगे इसको रोटेट भी नहीं होगा इसको, क्योंकि एक्सिस ही ऐसी है इसमें। तो ये जो हमारी बॉडी में हर बॉडी में इस तरह से एक्सिस आती है हाथों में, तो हमारे को इससे मूवमेंट का पता चलता है कि भाई ये कौन सी मूवमेंट, जैसे कि ये पैरों का मेरा ये एडक्शन हो रहा है, ये एडक्शन हो रहा है और ये एबडक्शन हो रहा है, तो ये किस प्लेन और एक्सिस में पॉसिबल है, तो ये फ्रंटल प्लेन और सर्जाइकल एक्सिस में ये मूवमेंट होती है, देखिए ये वाली। तो आप समझ गए कि भाई उससे और कोई पॉसिबल ही नहीं है, ये मूवमेंट में यही मूवमेंट होगी। तो आपका जैसे कि हाथ है, मैंने ये हाथ ले लिया, जैसे ये हाथ दूर जाएगा पास आएगा, दूर जाएगा पास आएगा, ठीक है, यानी कि हाथों का एडक्शन और एबडक्शन, हाथों का एडक्शन एबडक्शन, और यही चीज मैं आपकी जैसे मुंडी में मैंने यहाँ पे गर्दन पे ले ली, तो ये भी क्या होगा, ये मुंडी लेफ्ट को जाएगी और राइट को जाएगी, लेफ्ट राइट, उससे और कुछ होगा ही नहीं, यानी कि ये फ्रंटल प्लेन और सर्जाइकल एक्सिस में यही मूवमेंट पॉसिबल है आपको। अब देख लीजिए, ठीक है, ये सर्जाइकल प्लेन है और ये फ्रंटल एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने अपनी बॉडी को दो हिस्सों में काट दिया, ठीक है, इसे अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो मैं कहां से करूंगा, ये जैसे कि सर्जाइकल प्लेन है, ठीक है, ये सर्जाइकल प्लेन है और मुझे ये ज्वाइन करना है, तो मैं यहाँ से ही ज्वाइन कर पाऊंगा, और कोई चीजें ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कि मैंने दूसरी तरीके से मैं ज्वाइन कर पाऊं। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अपनी बॉडी को ज्वाइन किया, ठीक है, देखिए अब इसमें कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, तो ये आगे और पीछे दो ही मूवमेंट हो सकती है इसमें, इसमें आपने देखा कौन सी मूवमेंट है, इसमें राइट और लेफ्ट में जा रही थी, इसमें इसमें बॉडी कौन सी जाएगी, आगे और पीछे जाएगी, तो ये जो सर्जाइकल प्लेन है और ये फ्रंटल एक्सिस में यही मूवमेंट पॉसिबल है, और कोई मूवमेंट इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको तो समझ गए होगे, ठीक है, तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊं कि जैसे कि मैंने, आप मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये मेरी बॉडी में ये है, ठीक है, तो ये कैसे इसकी पैरेलल मूवमेंट है, ये प्लेन के पैरेलल ही होगी ये, तो ये आगे की ओर हाथ जा रहा है, पीछे की ओर हाथ जा रहा है, ये पैर आगे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर, या आगे आगे पीछे जा रहा है, जैसे कि ये इसको आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, हाथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो इसमें, तो ये पैरेलल मूवमेंट हो रही है प्लेन के, यानी कि प्लेन हमारा ये सर्जाइकल प्लेन है, तो ये मूवमेंट आप देख सकते हो कि भाई इस तरह से मूवमेंट हो रही है पैरेलल, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से समझाऊं, तो ये आप इसको ज्यादा आप समझ पाओगे कि जैसे ये प्लेन है, इसको आप ठीक से देख लीजिए, यही चीज मैंने इसमें बताई हुई है, ठीक है, ये पैर है और ये प्लेन है, जैसे ये सर्जाइकल प्लेन है, ये सर्जाइकल प्लेन है और ये फ्रंटल एक्सिस है, तो ये मैंने डाल दी पर। अब पैर क्या क्या हो रहा है, इसका फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ये आगे की ओर जा रहा है, पीछे की ओर, उसके सिवाय इसमें इस चीज में कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये मूवमेंट में, ये मूवमेंट जब हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, तो ये हमारी सर्जाइकल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस की ही मूवमेंट होती है, और कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती इसमें। तो इसमें ऐसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने सीधा आपको ये इस तरह से समझा देता हूं, तो आपको समझ आएगा। देखो ये हाथों का भी आपको इससे पता चल जाए, हाथों का भी ये ऊपर फ्लेक्शन हो रहा है, पीछे एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर ये मुंडी का, ये आपका यानी कि बॉडी का, ये क्या हो रहा है, ये नीचे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यही चीज होगी। अगर हमारी बॉडी में ये जो सर्जाइकल प्लेन है और फ्रंटल एक्सिस है, तो उसमें यही मूवमेंट होगी। तो ये आप अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों तीसरा रहा हमारा ये वाला, जो हमारा सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट होता है, यानी कि दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। अब इसमें क्या होता है, हमको ज्वाइन करना है, तो ऊपर से एक्सिस लगेगी इसमें, सीधी बात है, इसमें वर्टिकल एक्सिस से ही लगेगी, और कोई एक्सिस लग ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि मुझे ये दोनों हिस्सों के ज्वाइन करना है, तो मुझे ये लगेगी। और इसमें क्या पॉसिबल होगा, रोटेशन ही होगा, ये देखिए ये रोटेशन ही होता है ये, ठीक है। तो ये रोटेशन जो होता है पैरों का, हमारा इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सब रोटेशन ही होगा। तो ये एक्सिस से हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है, और इसमें यही एक्सिस लगती है, दूसरी कोई लगेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों बॉडी पार्ट मुझे ज्वाइन करने हैं, तो ऊपर से मुझे लगानी पड़ेगी, यहां से मैं लगाऊंगा तो कोई लगेगी नहीं, जैसे फ्रंटल एक्सिस भी नहीं लगेगी, सर्जाइकल एक्सिस भी नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि मुझे ये दोनों हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए ऊपर से मैं ऐसे कुछ लगाऊंगा, तो ही अब ये सीधी यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख सकते हो कि मैं ऊपर से लगाऊंगा तो ये दोनों हिस्से मेरे जुड़ सकते हैं,
बाकी तो कोई और से मेरे जुड़ नहीं सकता मेरा हिस्सा, तो ये इसमें और इसमें जो मूवमेंट होती है, तो मैंने इसमें जैसे बताया कि भाई नीचे से वर्टिकल एक्सिस जाती है उसमें मूवमेंट कैसी पॉसिबल है, ये वाली मूवमेंट पॉसिबल होती है ये वाली, तो जब भी ये वाली मूवमेंट पॉसिबल होती है उसमें आपको समझ जाने का कि भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल एक्सिस है। जैसे मैंने इसमें एक बताऊं कि ये पैर में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये पैर में जैसे कि ये नीचे से मैंने डाला है तो ये पैर ऐसा होगा, यानी कि अंदर की ओर, यानी कि इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, ये दोनों रोटेशन आपको समझ में आ गया कि इंटरनल एक्सटर्नल। जैसे हाथों में हमारा तो ये हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये दोनों पॉसिबल होते हैं क्योंकि ये नीचे से जा रहा है, तो ये जो हमारी मूवमेंट होती है हॉरिजॉन्टल एडक्शन और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, ये दोनों हमारे हाथों में ये प्लेन की वजह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसी की वजह से ये पॉसिबल होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये भी हमारा इसी के कारण होता है, यानी कि ये जो इंटरनल जो थोड़ा हाथ का रोटेशन होता है एडक्शन होता है, ये एबडक्शन होता है, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल जो भी रोटेट होता है हमारा वो भी यही प्लेन की वजह से हो रहा है। आप देख लीजिए, आप इसको आप थोड़ा समझ जाओगे। ये गर्दन का भी मैंने ऐसे बताया है कि गर्दन में जैसे कि ये ऐसे ऐसे जाती है जो आपको आगे पीछे, यानी ऐसे ऐसे ये जो जाती है तो ये एक्सिस की वजह से ये गर्दन जाती है। तो जब भी हम ऐसी ऐसी इस तरह की जो एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आपको समझ जाने का कि ये कौन से प्लेन वाइज करते हो, तो इसमें ये प्लेन लगा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल एक्सिस होती है, तो ही हम ये एक्सरसाइज कर पाते हैं। अगर ये इस तरह का प्लेन हमारी बॉडी में मौजूद नहीं हो तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करो तो ये तीनों प्लेन को आप ध्यान में रख के करना है कि भाई हम कौन सी एक्सरसाइज कौन से प्लेन के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगी और परफेक्ट एक्सरसाइज कर पाओगे। लास्ट एंड फाइनल पार्ट, ये सारे जो मैंने एक्सिस ऑफ प्लेन बताए उसको सही ढंग से व्यू कैसे किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्टर आपको व्यू करता है तो उसको सही ढंग से कैसे किया जाता है, और आप भी अगर आपके प्लेन और एक्सिस को चेक करना है, मूवमेंट को चेक करना है, तो कहां से आप व्यू करोगे, तो आपको उसको सही आप उसको समझ पाओ कि भाई पूरा जज कर पाओ कि ये मूवमेंट मेरी सही हो रही है कि नहीं है। तो मेरा एक ही चीज है उसको व्यू करने के लिए, जहां से एक्सिस शुरू होती है वहीं से व्यू किया जाता है। तो जैसे ये एक्सिस है, मुझे अगर ये पार्ट मेरा आधा है और ये पार्ट मेरा नीचे, अब इसको मुझे ज्वाइन करना है तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, तो ऐसे ही ज्वाइन करूंगा ना, मैं इसको ऐसे मैंने ये किया तो ये इसको, यानी कि ये तो इमेजिनरी है प्लेन, जैसे मान लिया कि तो मैंने इसको इस तरह से ज्वाइन किया, तो मुझे क्या है कि मुझे इस तरह से इसमें एक्सिस उसमें घुसनी पड़ेगी कि भाई इस तरह से मैंने एक्सिस इंसर्ट की तो मेरा परफेक्ट व्यू जहां से मैं एक्सिस डालूंगा वहीं से व्यू आएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा तो ये जो भी मूवमेंट करेगा, देखो ये पूरा का पूरा ये मूवमेंट कर रहा है, मैं देख पा रहा हूं। जैसे ये हमारा पंखा होता है वो ऐसे ऐसे घूमता है तो हम नीचे से व्यू कर सकते हैं, तो यानी कि जो एक्सिस जहां से शुरू होती है यहां से एक्सिस होती है वहां से हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से व्यू कर पाएंगे। तो जहां से, और दूसरा मैंने एक बताया कि भाई जैसे मूवमेंट है, जैसे ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन है उसके पैरेलल मूवमेंट होती है, उसके पैरेलल हमें भी वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, तो पैरेलल आप खड़े रहोगे तो और अच्छे से आप जान पाओगे। तो वो एक ही चीज है कि पैरेलल मूवमेंट और पैरेलल खड़े रहो, हर प्लेन में आप जैसे मूवमेंट उसके पैरेलल होती है तो आपको पैरेलल ही खड़ा रहना है। तो पैरेलल खड़े रहने में आपको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सिस नजर आएगी, जैसे यहां पे खड़े रहोगे तो आपको एक्सिस नजर आएगी, ये पूरी की पूरी एक्सिस, यानी कि यहां से तो पूरी मूवमेंट आप कैप्चर कर पाओगे आपको। तो आपको और ये आपको ऐसा नहीं देखना है कि भाई कोई ऐसे बोल रहा है कि भाई जैसे ऐसे रह गया इस तरह से, यानी कि ऐसे, तो कोई बोलेगा ये तो यार सर्जाइकल प्लेन है और ये फ्रंटल एक्सिस है, नहीं भाई ये सर्जाइकल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस में राइट और लेफ्ट पार्ट अलग किया जाता है, इसमें बॉडी का यानी कि आपका सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट है, तो सुपीरियर इंफीरियर पार्ट में जब आपकी बॉडी को काटा जाता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ही लगता है। फिर आप ऐसे देखो कहीं से भी देखो, लेकिन यही होगा, लेकिन देखने का नजरिया आपको यानी ये एक्सिस है इस पोर्शन से देखना चाहिए या तो यहां से देखना चाहिए, तो उसका सही मायनों में आपको समझ में आएगा। उसी तरह आप यानी कि ये आपका जो फ्रंटल प्लेन है और सर्जाइकल एक्सिस है उसको देखने के लिए कहां से देखना पड़ेगा, तो ये एक्सिस यहां पर है तो मुझे यहां से देखना पड़ेगा, तो यहां से देखूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छे से ये मूवमेंट कैप्चर होगी। इसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है, आपकी मूवमेंट होती है लेग की एडक्शन और एबडक्शन होती है, तो ये मूवमेंट मुझे देखनी है तो मुझे ये सामने से देखनी पड़ेगी, यानी आपको यहाँ सामने से या तो या पीछे से जो मूवमेंट मुझे देखनी है तो पीछे से देखनी पड़ेगी, तो पीछे से मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। साइड से देखूंगा तो मुझे ये समझ
समझ में नहीं आएगा तो यहां जहां से एक्सिस शुरू होती है वहीं से देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि जहां से प्लेन है यानी कि ये प्लेन फ्रंटल प्लेन है तो उसकी मूवमेंट भी यहाँ पैरेलल होगी, उसी तरह मूवमेंट होगी। देखिए मूवमेंट आपकी पैरेलल हो रही है यानी कि ऐसे 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 तो आपको भी पैरेलल ही खड़ा रहना है यानी यहाँ पे कहीं पे खड़ा रहना है। या तो यहाँ पे आप पीछे से भी आप देख सकते हो, यहां से करो तो आप ऐसे देख सकते हो, ऊपर से करोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, नीचे से करोगे जो सोया हुआ है तो आप ऊपर से देख सकते हो पैरेलली, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसे तो आप ऐसे नहीं मानना है कि भाई आपको यहां से देखोगे तो यह हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, नहीं भी आपकी बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर में काटी गई है तो वो जो काटे तो उसमें फ्रंटल प्लेन ही आता है, तो उसमें आपको कोई ऐसे दुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि ये जो मैंने अब ये काटा है सर्जाइकल प्लेन, अब देखो ये इसमें क्या होता है, मैंने फिर बताया कि भाई मूवमेंट कहां से देखी जाती है, तो मूवमेंट ऐसे नहीं देखी जा प्लेन भले मैंने ऐसे ही आपको पूरे वीडियो में मैंने ऐसे बताया, लेकिन जब मूवमेंट देखनी होती है तो मुझे ये एक्सिस कहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है तो मैं इसको ऐसे करूंगा, इस तरह से मूवमेंट देखूंगा इसकी, तो इसकी फ्लेक्शन इसकी यानी कि ये जिसकी जो फ्लेक्शन हो रही है, देखो ये काटा भी मैंने इसलिए आपको बताने के लिए है कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को अलग अलग मैंने किया है, जैसे इसका राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो इसको भी मैंने थोड़ा बताने के लिए कि भाई आपको देखना यहां से है तो आप मैं या अगर यहां सामने से देखूंगा यहां से तो उसका यानी कि ये फ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है, आप देख सकते हो कि भाई आप इसका फ्लेक्शन हो रहा है यानी कि पैरों का फ्लेक्शन, मैंने जो पैरों का बताया था वो फ्लेक्शन हो रहा है एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो आपको यहाँ सामने से देखना है सामने से, तो यानी कि ये प्लेन आपका सर्जाइकल है लेकिन तो ये सर्जाइकल प्लेन है, इसकी मूवमेंट इसकी पैरेलल है, इसकी यानी कि ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही थी पैरेलल, तो आपको यहां से देखना है ये चीज ऐसे आएगी, ये चीज ऐसे आएगी, ये चीज ऐसे आएगी, आप देख सकते हो ना हर चीज वही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत हुआ था इसमें कि भाई मूवमेंट क्यों, तो लेकिन मैंने ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इसको देखना है जहां से एक्सिस शुरू होती है वहीं से देखना है, जहां से आप इसकी मूवमेंट होती है जैसे पैरेलल मूवमेंट होती है तो पैरेलल खड़े रह के ही आप इसको बहुत अच्छे से जज कर पाओगे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो जब भी क्रिकेट खेलते हैं तो रनआउट के समय आपको देखा जाता है कि भाई आपको जो एम्पायर है वो साइड में हो जाता है उसको जज करने के लिए और वो साइड से बहुत अच्छे से जज कर पाता है, तो मूवमेंट हमेशा आपकी जो पैरेलल होती है तो आपको देखना भी पैरेलल ही है यानी आपको जहां से एक्सिस शुरू होती है वहीं से देखना है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों वीडियो तो खत्म हो गया, अब मैं आपको तीन चीजें बताता हूं, जैसे कि वन में बताता हूं, वन के अंदर मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूं, देखिए तो ये मैंने लेग का एडक्शन किया और लेग का एबडक्शन किया, लेग का एडक्शन और लेग का एबडक्शन, तो ये कौन से प्लेन और एक्सिस इसमें लगती है ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। फिर दूसरा मैंने लेग का ये रोटेशन किया तो ये इंटरनल रोटेशन और ये एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये कौन से प्लेन और एक्सिस इसमें आता है ये भी बताना, ये सेकंड में। और ये थर्ड वे, थर्ड में क्या है मैं साइड में हो जाता हूँ जो ज्यादा उसमें मैंने बताया तो ये साइड से देखा जाता है, तो इसमें मैंने ये लेग का फ्लेक्शन किया और लेग का एक्सटेंशन किया, अब ध्यान से देख लीजिए फ्लेक्शन और तो थर्ड में मुझे कौन सा प्लेन और एक्सिस मुझे लगती है वो आप ध्यान से मुझे बताना कॉमेंट्स में, आप मुझे बताना और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।